होता क्या है कि पेट पानी को गर्म करता है, उसको जिंदा रखना है आपको, तो एक सिस्टम बना रखा है भगवान ने, आप बहुत ठंडा पानी पिएंगे पेट पानी को गर्म करेगा, लेकिन गर्म करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, कुछ ऊर्जा चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? ब्लड में से आएगी, रक्त में से आएगी। तो सारे शरीर का खून पेट की तरफ जाएगा पानी को गर्म करने के। अब थोड़ी देर आप इमेजिन करिए कि सारे ब्रेन का ब्लड हमारे पेट में चला गया, हार्ट का ब्लड पेट में चला गया, इंटेस्टाइन का ब्लड पेट में आ गया, तो हर एक ऑर्गन को ब्लड की कमी आएगी, ब्रेन को कमी आएगी, हार्ट को कमी आएगी, इंटेस्टाइन। ब्रेन को 3 मिनट अगर ब्लड सप्लाई रुक गया या कम हो गया तो ब्रेन डेड हो जाता है। हार्ट को 1 से 1.5 मिनट अगर सप्लाई रुक गई तो हार्ट डेड हो जाता है। बाकी सभी ऑर्गन तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ठंडा पानी पीना बहुत बड़ा रिस्क लेना है, कभी मत पीजिए। और एक समस्या होती है, जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं तो हमारे पेट का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ा आंत जहां पर एक्सक्रीटा है, मल है, वो बंद हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा होता है पाइप के जैसा, खुले हुए पाइप के जैसा, जब ठंडा पानी पीते हैं तो ये बंद हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब होगा क्या कि बहुत ठंडा पानी पी पी के लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपका श्रिंक कर गया, बंद हो गया, तो सुबह जब आप टॉयलेट में जाएंगे तो 1-1 घंटे बैठना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बंद है, स्टूल ही पास नहीं होगा, सारी ताकत लगानी पड़ जाएगी आपको, फिर भी स्टूल पास नहीं होगा, मैंने कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन को आयुर्वेद में मदर डिसीज कहते हैं, सभी बीमारियों की मां है कब्जियत। आपको एक बीमारी आ गई कब्जियत तो सारी बीमारियां आएंगी जिंदगी, कोई नहीं रोक पाएगा उनको। तो ठंडा पानी पीने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है लार्ज इंटेस्टाइन के श्रिंक होने का, माने कब्जियत होने का। इसलिए आप ये गलती मत करिए कभी। मैंने मेरी आंखों से देखा है, अमेरिकन और यूरोपियन लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, इतना ठंडा पानी पीते हैं कि हम सोच नहीं सकते। अमेरिकन यूरोपियन लोग तो क्या करते हैं, पानी को फ्रीज में रख देते हैं, 5-6 दिन रखा रहता है, खूब ठंडा होता रहता है, फिर पानी को निकालते हैं, फिर आइस क्यूब डालते हैं उसमें, बर्फ के टुकड़े, फिर पीते हैं। दुष्परिणाम क्या होता है, जो भी अमेरिकन यूरोपियन लोग ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो 1-1 घंटे बाहर नहीं आते, कुछ लोग तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। उनको पूछोगे भाई क्या करते हो 1 घंटे टॉयलेट रूम में, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और टॉयलेट रूम न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो नहीं बनाया, तो कहते क्या बताएं, स्टूल पास नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, तो न्यूज़पेपर पढ़ के टाइम पास करना पड़ता है। एक अमेरिकन को मैंने एक बार पूछा कि आपके टॉयलेट रूम में ये कमोड सीट क्यों लगाते हैं, इंडियन स्टाइल का क्यों नहीं लगाते, तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि इंडियन स्टाइल वाला जो टॉयलेट पॉट है उस पर 5 मिनट बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठने की जो पोजीशन है वो 5 मिनट में ही थका देती है, हमको 2-2 घंटे बैठना है, इसलिए हम कुर्सी जैसा ही कबोर्ड बना लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उस दिन मेरे समझ में आया कि अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी क्यों होती है, सारे अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेगी, किताबें मिलेगी, ड्राइंग रूम में नहीं मिलेगी, डाइनिंग रूम में नहीं मिलेगी, बेडरूम में नहीं, टॉयलेट रूम में सारी किताबें मैगजीन, क्योंकि उनको टाइम पास करना। मुझे कभी कभी उनका मजाक करने का मन करता है, वो बेचारे कितने परेशान होते होंगे, सारी ताकत लगाते होंगे, सब करते होंगे, लेकिन स्कूल पास नहीं होता, फिर गाना गाते होंगे, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी फिर भी नहीं आती, फिर उससे भी ज्यादा जब परेशान हो जाते होंगे तो दूसरा गाना गाते होंगे, एक बार आजा 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 फिर भी नहीं आती, ये सारी समस्याएं उनकी जिंदगी में। और इन समस्याओं का जो रूट कॉज है वो चिल्ड वाटर है, ठंडा पानी। आप मत गलती करना, ये वो गलती कर रहे हैं उनको करने दो, उनका उनको मुबारक, हमें हमारे जीवन को थोड़ा ठीक रखना है। आप कभी भी ठंडा पानी मत पीना। फिर आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं, हाँ मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि वो ठंडा नहीं है। ठंडे पानी की परिभाषा मैंने बताई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर का सभी पानी ठंडा है। मिट्टी के घड़े का पानी का जब भी आप टेम्परेचर नोट करेंगे वो 35 डिग्री 36 डिग्री 34 डिग्री 33 डिग्री ऐसे ही आता है, और आपके शरीर का तापमान है 37 डिग्री, इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी और आपका शरीर दोनों लगभग बराबर गर्म है,
इसलिए आप कभी भी मिट्टी के घड़े का पानी पीना, फ्रिज का मत पीना।